तो स्वागत है दोस्तों आपका लद्दाख के तीसरे ब्लॉग में। और हम लोग इस समय नुब्रा वैली के लिए निकल रहे हैं। और ये देखिए गाड़ी पे पैकिंग चल रही है, 350 पे पीछे बैग बांधा जा रहा है। आप देखिए कौशल सिंह चौहान का टैलेंट, कैसे भी बैग बांधते हैं। ये हमारी बाइक वो खड़ी हुई है, तो हम लोगों के पास जो एक्स्ट्रा लगेज है वो हम होटल में ही छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि जब हम लौट के आएंगे तो इसी होटल में स्टे करेंगे, तो बैग हम यहाँ से लेते हुए फिर निकल जाएंगे। बैग एकदम तैयार हो चुका है, टैंक बैग बांध दिया है हमने, कौशल सिंह का ये बैग बन गया है, ऊपर से पन्नी लगा दी है। ये मेरा टैंक बैग है, ये कौशल सिंह का टैंक बैग है। तो निकल चुके हैं हम नुब्रा वैली के लिए अपनी रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 पे बैठ के। टाइम कुछ हो रहा है 11 और वी आर एक्सट्रीमली लेट। ये है कुछ लेह का रास्ता, सामने वो आपको माउंटेन्स पे बर्फ़ दिख रही होगी वहाँ पे लदी हुई। ये देखिए सामने ये लेह का द्वार बना हुआ है खारदुंगला जाने के लिए, और मुझे वहाँ से नहीं जाना है, मुझे दूसरी जगह से जाना है। ये रहा दूसरी जगह, यहाँ पे लिखा हुआ है खारदुंगला 39 किलोमीटर्स। पहले पेट्रोल डलाने यार। कहाँ चाचा? ओ चाचा जी पेट्रोल पंप कहाँ है? पेट्रोल पंप पीछे है। अच्छा चलो, यहाँ पे कहीं फ्यूल का कोई ठिकाना नहीं है, फ्यूल कहाँ मिलता है कहाँ नहीं मिलता है। तो पेट्रोल पंप का रास्ता यहाँ से बताया हुआ है उन्होंने कि आप नीचे जाइए, नीचे पेट्रोल पंप है, तो पहले फ्यूल इसमें भरवा लेते हैं। काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे पेट्रोल भरवाने के लिए, फुल टैंक करा लेते हैं यहाँ से। मुफ्त वैक्सीन लग रही है, देखिए मोदी जी मुफ्त वैक्सीन लगा रहे हैं यहाँ पे, कोविड-19 वैक्सीन। काफ़ी भीड़ है यहाँ पे पेट्रोल पंप पे, और 106 रुपये लीटर पेट्रोल, 2000 रुपये का पेट्रोल भराया, 1000 का उस गाड़ी में, 1000 का इस गाड़ी में। और अब यहाँ से जर्नी स्टार्ट करते हैं हम लोग नुब्रा वैली के लिए। आपको रास्ते में नज़ारे ही नज़ारे दिखते हुए जाएंगे। वो दिख रहा है आप लोगों को शांति स्तूप, हम लोग वहाँ गए हुए थे कल, और अभी उससे ज़्यादा ऊंचाई पे हैं, और अभी तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे हम लोग जा रहे हैं। वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड खारदुंगला पे काफ़ी सारे मोटो ब्लॉगर, ट्रैवलर, टूरिस्ट, चेक पोस्ट लद्दाख चेक पोस्ट, यहाँ पे परमिट चेक कराना पड़ेगा हम लोगों को। क्या पेंगोंग जाऊँगा? हाँ ये पेंगोंग लेक के लिए है ना, ये ऊपर है पेंगोंग लेक के लिए, ऊपर वाला ये सुमुरुजी दूसरा लेक है। अच्छा चलिए ठीक है। तो यहाँ पे बाइक का परमिट चेक कराया हम लोगों ने कि बाइक आपकी कहाँ की है। अगर आपकी खुद की बाइक है तब तो कुछ नहीं, अपना गाड़ी का कागज़ दिखा दीजिए कि अभी खुद की है, पर अगर आप रेंट पे लेके आए हैं तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आप कहाँ से रेंट पे लेके आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। और यहाँ पे तीखे तीखे मोड़, और सामने देखिए यार क्या माउंटेन्स है, क्या नज़ारा है माउंटेन्स का, बर्फ लगी हुई भाई बर्फ। और यहाँ पे नीचे कुछ बन रहा है, आई डोंट नो क्या बन रहा है, तो कुछ तो अच्छा बन रहा है यहाँ पे बैठ के लोग, पता नहीं चलते। पर अगली बार जब आऊँगा तो आपको ये दिखाऊँगा ये क्या बनता था। कैसा लग रहा है लद्दाखी फ्लैग? ये अभी हम लोग आ रहे थे रास्ते में डला हुआ था, मैंने गाड़ी घुमाई तुरंत से और इसको उठाया, और अब ये मेरे बाइक की शान बढ़ा रहा है। नीचे जवानों का काफिला निकलता हुआ, आर्मी के ट्रक जो देश की सेवा में लगे हुए हैं तत्पर। जय हिंद। सारे ट्रक लोग कहाँ से होते हुए जा रहे हैं, क्या रोड है क्या रास्ता है क्या माउंटेन्स है। खारदुंगला पहुँचते पहुँचते भाई मुझे लग रहा है मेरी हालत टाइट होने वाली है, क्योंकि मुझे अभी ठंड लगना स्टार्ट हो गई है। मैंने अभी डायमोक्स खाई है एक गाड़ी रोक के, क्योंकि
मुझे लग रहा था वहाँ पर मुझे सांस की प्रॉब्लम ना हो जाए। जो वो रोड आ रहा है ऐसे 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 सांप जैसा, हम लोग उससे आए हुए हैं और क्या रोड बने हुए हैं बेहतरीन। क्या नदी बह रही है प्यारी सी शांत सी। और जंप 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 जंप, बस 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 ज़्यादा जंप नहीं, जंप 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 जंप। क्या बेहतरीन नदी है भाई, सांस भूल गई यार। हो क्या नज़ारे हैं यहाँ के। तो भाई लोग जैसे जैसे हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे ठंड लग रही है बहुत ज़ोर से। साउथ कुल्लू में वो सामने आपको दिख रहा है वो साउथ कुल्लू है, और देखते हैं यहाँ पे क्या परमिट वर्मिट चेक होता है हम लोगों का या नहीं होता है। अभी यहाँ से काफ़ी दूर है खारदुंगला, गाड़ी मैं फुल एक्सीलेटर लिया हूँ इस समय, फुल चल ही नहीं रही है भाई, ऑक्सीजन कम है चल ही नहीं रही है। पाँचवा गियर तो मैं डाल ही नहीं पा रहा हूँ, तीसरा बस तीसरा ही मान के चलो, चौथा भी बहुत कम डल पा रहा है। देखो पूरा एक्सीलेटर है पूरा भाई, क्या करें भाई नज़ारे। रोक तो रहे हैं यहाँ पे, देखते हैं किस लिए रोक रहे हैं। आई थिंक शायद परमिट ही चेक कराना पड़ेगा यहाँ पे, स्टॉपेज का लगा तो हुआ है बोर्ड और चेक पोस्ट पुलिस साउथ कुल्लू लिखा भी हुआ है, तो यहाँ पे हम लोगों को परमिट चेक कराना है। तो बाइक लगा देते हैं साइड में थोड़ा, काफ़ी सारे बाइकर्स हैं और यहाँ पे बाइकर्स जो आते हैं अपना लोगो लगा देते हैं। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से साउथ कुल्लू से चेक पोस्ट से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, 12:30 बज गया है। ये देखिए GS 310 केरल, वन मोर GS 310 केरल ब्लैक, अपने भी GS 310 है यार, BMW वाले हम लोग यहाँ रॉयल एनफील्ड चला रहे हैं, बात अलग है। आ गए हैं भाई लोग, हम लोग खारदुंगला भाई, खारदुंगला टॉप पे आ गए हम लोग, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा तेज़। ये देखिए दिस इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड, वी कॉल्ड इट खारदुंगला। और ये रहा खारदुंगला का बोर्ड जिसके ऊपर लोग चढ़े पड़ रहे हैं, और सेम यही मैं कर रहा हूँ थोड़ी देर में। पीछे दिखाता हूँ, मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो दिखी ना, मुझे इसके पीछे दिखी। ये देखिए ऊपर से बर्फ़ आ रही है ना, बीच में एक लाइन बनी हुई है, अगर इस पर ना बड़ा सा ट्रक वाला टायर लो ना उसके ऊपर बैठ जाओ, और भाई क्या मस्त सरकते हुए नीचे तक आओगे यार। किसी ने नहीं किया होगा ये, वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड पे आप ये करेंगे ना भाई मजा। और एक खारदुंगला का बोर्ड वो आगे भी लगा हुआ है, ये देखिए खारदुंगला टॉप। यहाँ पे देखिए सारे लोग अपना अपना स्टिकर्स लगा गए हैं, और यहाँ से हम लोगों को ढलान मिलेगी तो गाड़ी अच्छी स्पीड में भी चलेगी और हमको ज़्यादा एक्सीलेटर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो देखिए रास्ता नीचे नीचे जा रही है और हमको वो माउंटेंस रेंज के पास जाना हुआ है। ये देखिए ऊपर से क्या वाटरफॉल आ रहा है, तो आपको दिखाते हैं। वो देखिए सामने वो बुद्धा पार्क बना हुआ है, और वहाँ पे वो हल्का पानी भरा हुआ है ना, उसका पूरा पानी का जो कलर है ना एकदम ब्लू 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 पूरा। ये रास्ता जाने की पर अभी बंद है। तो आ चुके हैं नॉर्थ कुल्लू में, यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, ये नॉर्थ कुल्लू है। और कौशन से पूछता हूँ कुछ खाएगा अगर या नहीं खाएगा, तो यहाँ पे कॉफ़ी लंच ब्रेकफास्ट होता है, तो सोचते हैं कर लें क्या। रेस्टोरेंट मेन्यू भी लिखा हुआ है, वेज रोटी दाल, भाई दाल भी है तब तो मैं खाऊंगा यहाँ पे खाना। ये देखिए रोटी यहाँ पे कहीं नहीं मिलती आपको, बस चावल दाल जो मिलता है वो मैं खाऊंगा यहाँ पे। भूख बहुत लग रहा है, और पेंगोंग लेक पे ऐसे करूँगा मैं।
डाल देना है, थोड़ा टेस्ट अलग होना चाहिए। कुरकुरा 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 मजा आएगा। लो कौन डालो, अब इसमें थोड़ा सा आलू भुजिया भी डालेंगे। डालोगी? हाँ आलू भुजिया थोड़ी सी। देखिए First rush when the school is out, when the booze is up, when the sun is down. Enjoy the ride, got some pillows in the Chevy. Yeah.